आखिर क्या कारण है कि एक बिस्किट को 15 लाख रुपए में खरीदा गया, या फिर ये कि इस व्यक्ति ने अपनी जीप का 7 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस क्यों कराया है? और क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया का सबसे लंबा म्यूजिक कितने घंटों का होगा? अगर आपको नहीं पता तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइसक्रीम खाना किसको पसंद नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको आइसक्रीम खाने के लिए पैसे देने नहीं बल्कि आपको आइसक्रीम खाने के पैसे मिलेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जॉब की जिसमें आपको आइसक्रीम टेस्ट करने के लिए पैसे मिलते हैं। एक ऐसा ही व्यक्ति जिसका नाम है जॉन हैरिसन। जॉन हैरिसन सिर्फ आइसक्रीम टेस्ट करने के लिए ही करोड़ों रुपए की सैलरी लेते हैं, और यह सिर्फ आइसक्रीम टेस्ट करके ही बता देते हैं कि आइसक्रीम मार्केट में चलेगी कि नहीं। और इनके टेस्ट बड इतने सक्रिय हैं कि ये आइसक्रीम खा के ही बता देते हैं कि वह किस फ्लेवर और किस चीज़ से बनी हुई है। इसी के चलते इनकी जीप का 7 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस किया गया है। नंबर 4। तो दोस्तों, आपने कई बड़ी बड़ी कंपनियों के बिस्किट खाए होंगे और देखे भी होंगे जो कि थोड़े बहुत कॉस्टली होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी 15 लाख रुपए के बिस्किट के बारे में सुना है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक बिस्किट की कीमत की, जिसकी कीमत है 15 लाख रुपए। आखिर इस बिस्किट की कीमत इतनी क्यों है? तो दोस्तों, आप सभी ने टाइटैनिक शिप के बारे में जरूर सुना होगा, जो कि उस वक्त की सबसे बड़ी की सबसे लग्जरी शिप मानी जाती थी, जिसमें कि खाने का फुल सामान रहता था। 1912 में शिप आइसबर्ग से टकराने के कारण डूब गई, जिसके चलते शिप में 1500 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई। और शिप के डूबने के दौरान एक बिस्किट बच गया था, जिसकी एक नीलामी के दौरान 15 लाख रुपए बोली लगाई गई, जो कि इस बिस्किट को दुनिया का सबसे महंगा बिस्किट बना देती है। नंबर 3। दोस्तों, ह्यूमन पॉपुलेशन आज हमारी पृथ्वी के लिए काफ़ी बड़ी समस्या बनती जा रही है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की करंट में पॉपुलेशन 136 करोड़ हो चुकी है। इसकी रोकथाम के लिए यहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी उपाय कर रही है। अगर हम बात करें कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान के रूल के हिसाब से अगर किसी माता पिता के 7 से अधिक बच्चे हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से उसे एक गोल्ड मेडल दिया जाता है, जिसके चलते कजाकिस्तान की भी ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ रही है। नंबर 2। तो दोस्तों, आजकल म्यूज़िक सुनना किसको पसंद नहीं है। म्यूज़िक सुनने से हमारा मन शांत रहता है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा म्यूज़िक कितना होगा, कितने घंटों का होगा, या कितने दिनों का, या मैं कहूँ कितने सालों का? जॉन केसन, जो कि पेशे से एक कंपोज़र हैं, जिन्होंने इस दुनिया का सबसे लंबा म्यूज़िक बनाया है। इस म्यूजिक को कंप्लीट सुनने में आपको 639 साल लगेंगे। जी हाँ, 639 ईयर। तो दोस्तों, अगर आज यानी 2021 में आप इस सॉन्ग को सुनना स्टार्ट करते हैं, तो इस सॉन्ग की एंडिंग आते आते 2670 ईयर हो जाएंगे, जो कि किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन है। तो इसी के चलते यह सॉन्ग दुनिया का सबसे लंबा सॉन्ग माना जाता है। नंबर 1। तो दोस्तों, आप सभी ने रामायण के कुंभकर्ण के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि अधिकतर सोता रहता था। वैसे ही आज के जीवन में एक ऐसी लड़की है जो कि कुंभकर्ण के भांति ही सोती रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निकोल की, जो कि एक बार सो गई थी, जिसके दौरान वह 64 डेज तक सोती रही थी। निकोल एक ऐसी बीमारी से जूझ रही हैं जिसके दौरान मनुष्य को बहुत अधिक मात्रा में नींद आती है। निकोल कैलन लेवन सिंड्रोम से जूझ रही हैं, जिससे कि बहुत अधिक नींद आती है। निकोल के माता पिता का कहना तो यह है कि 24 घंटे में से लगभग 17 से 18 घंटे यह सिर्फ सोते हुए गुजारती है, जिसके चलते इसे इंजेक्शन की मदद से खाना पानी दिया जाता है। दोस्तों, अगर सोने की बात चली ही रही है तो मैं आपको बता दूं, सोमोनोफोबिया एक ऐसा फोबिया है जिसके दौरान जिस व्यक्ति को यह फोबिया हो जाता है उसे सोने से भी काफ़ी डर लगता है, जिससे कि वह सो भी नहीं पाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी नॉलेज भरी वीडियो लाता रहता हूं।